भोजपुरी फिल्मों के मशहूर निर्देशक राजकुमार आर पांडे ने अभी तक कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्देशक राजकुमार पांडे को 2016 में सुपरहिट रही भोजपुरी फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान के लिए दादा साहेब फिल्म फाउंडेशन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सेलिब्रेशन क्लब लोखंडवाला में राजकुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। आपको बता दें कि फिल्म फाउंडेशन के चेयरमैन अशफाक कापेकर द्वारा आयोजित इस भव्य अवार्ड समारोह में हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी व टीवी चैनल से जुड़ी नामी गिरामी हस्ती वहां पर मौजूद रही। इतने ही नहीं, इस फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष मुंबई में किया जाता है, जिसमें भारतीय सिनेमा के उत्थान में विशेष योगदान देने वाले कई कलाकारों व टेक्नीशियन को सम्मान देकर उनका हौसला अफजाई किया जाता है। अवार्ड ग्रहण करने के बाद राजकुमार आर पांडे ने दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन के चेयरमैन अशफाक कापेकर व संस्था से जुड़े तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह अवार्ड सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान के सभी कलाकारों व टेक्नीशियनों का है। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि परिश्रम का फल आज अवार्ड के रूप में उन्हें मिला है, साथ ही वो अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बताते चलें कि राजकुमार आर पांडे इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ससुराल में व्यस्त हैं, जो कि एक मेगा बजट फिल्म है। इस फिल्म में प्रदीप पांडे और चिंटू काजल यादव का रोमांस दर्शकों को आकर्षित करेगा। इस फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज की जाएगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।